हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। दिस इज रेहान। हाँ जी सुसाइल। सो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं गुलखान एंड सुल्तान चैप्टर 6। सो गाइस, हम दावतनामा 5 एपिसोड इनके देख चुके हैं। राइट। और वो 5 एपिसोड जो हैं हमारे एम्ब्रोज इंडिया पे मिल जाएंगे आपको, आप जाके प्लीज चेक कर लीजिए। हाँ, और उसकी प्लेलिस्ट बनी है। हाँ बनी है, बिल्कुल अवर वाइंस की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें वो वीडियोस आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। अब जरूर जाके देखिए। तो इस वीडियो के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि गुलखान और सुल्तान सीरीज का क्रेज बहुत ही अलग ही लेवल का है। सही है, ये एवेंजर्स से कम नहीं है। तो हमारे लोग, ये हमारे छोटा मिनी एवेंजर, मिनी एवेंजर्स, मिनी थोड़ी पठान एवेंजर, पठान को मिनी नहीं बोल सकते, पठान एवेंजर्स। हाँ, पठानी एवेंजर्स है। तो देख लेते हैं, हियर वी गो। अरे ये स्पॉन्सर पे काम कर रहे सब लग रहा है। सुल्तान सुल्तान गुलखान की तरफ से आपके लिए मेरी चिट्ठी आई है, आपको किसी दावत पे बुलाया है। मेरे नाम? जी हाँ, आपके नाम? गुलखान की तरफ से। जी जी। अस्सलामुअलैकुम सुल्तान शाह, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है, जिसकी खुशी में मैंने अपने दिल से तुम्हारे लिए सारी बुराइयाँ निकाल दी और तुम्हें माफ़ कर दिया। कल दोपहर 2 बजे मैंने रेस्टोरेंट में दावत रखी है, अगर आपने शिरकत की मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने भी हमें माफ़ कर दिया। आपके आने का इंतज़ार होगा। वस्सलाम गुलखान। सुल्तान, मुझे तो गुलखान की पक्की चाल लग रही है। मुझे भी, लेकिन अगर चाल ना हुई और मैं नहीं गया तो गुलखान को लगेगा इसमें काफ़ी अकड़ है, मेरे माफ़ करने के बावजूद नहीं आया। हाँ तो फिर क्या करना है? जाना तो पड़ेगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। यार ये सच्चा सही है, मूवी से कम नहीं है ये सीरीज। गुलखान, वैसे नाम क्या रखोगे, कारतूस खान या बंदूक खान? मुस्तकीम खान, ताकि पठानों का और मजाक ना बने। पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। अच्छा हुआ है कि बेटा हुआ है, अगर बेटी होती ना तो पहले से किसी के साथ बात रखी हो जानी थी। बेटी होती तो नाम फातिमा होता, डॉक्टर बनती तो बहुत खुशी होती, और अगर कुछ और बनना चाहती तो उसकी खुशी में मेरी खुशी। क्या बात है, यू आर वेरी नाइस बाचा, यू आर वेरी ब्राइट बाचा, दिस इज अ फालक अ नाइस बाचा, कम हियर एंड हग मी टाइट बाचा। लेकिन रुको, तू भी बड़ा आदमी बना, और ये अंग्रेजी किसने सिखाई? अभी मैं कहता हूँ, ये मैंने नया मोबाइल लिया है, जैसी कोने कैमरे ऐप पर हुआ था, मैंने दबाया जो कोने के 50-50 उस्ताद मौजूद थे, माना अमेरिका का, बर्तानिया का, सोमालिया का, और ये अंग्रेजी सिखाते हैं ना। ओए एक कान मिलाओ, मुझे भी अंग्रेजी सुनने का बहुत शौक है। अच्छा मिलाता हूँ, देखो ये कैमरे ऐप खोल के ना ट्यूटर्स पे जाना है। देखो अब ये मर्द और औरत टीचर आ गए, अब तुम लोग बताओ मर्द उस्ताद से बात करना है या औरत उस्ताद से? वो औरत से हमें थोड़ी सी शर्म आती है, या मर्द से? मर्द। अच्छा मैं मर्द को मिला करूं। फीमेल टीचर सब है, गर्ल्स को सीखना हो तो फीमेल टीचर भी है। हेलो हेलो, दिस इज माय फ्रेंड गुलखान। आई स्माइल इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा, नो फुल इंग्लिश। His name is son is born, Mustaqim Khan. Thank you very very much. These are my friends. रुको शावली, शावली रुको यार, यार मेरे लिए भी ये कंप्लेक्स स्टाइल करो ना यार, हमें भी इंग्लिश सीखना है यार, हमें भी बात करनी है यार। मेरे लिए भी ये ऑर्डर कर लिया। अच्छा अच्छा, कर तो सब के लिए कर, और मेरे लिए भी। आ वाओ सुल्तान,
मुझे पता था कि मेरी खुशी में तू जरूर शिरकत करेगा। अरे छोटा खान हुआ है वो सुल्तान ना है, वैसी बनी नहीं। और साथ में मनाई भी लेकर लाए हो? जरूरी थी। मनाई लेकर लाए हो यार, जमाल कोटा फ्रिज में नहीं था। मजाक था। आओ चलो चलते। सलामुअलैकुम सुल्तान आ गए जी। आपको कैसे पता? दरअसल आप इधर हो, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। जी जी आप आओ सुल्तान आओ यार। कीमत खान जाओ और इस रेस्टोरेंट हमारे जितने भी मेहमान बैठे हैं उन सबको कहो जी पर क्या खाना खा लो और अपने साथ घर भी लेकर जाओ, बिल देने की कोई टेंशन नहीं है। और गुलखान और जो खाना बच जाए वो गरीबों में बांट ले। हाँ वो मुस्तकीम की खुशी में गरीबों में बांट ले। अच्छा गुलखान। गुलखान हम हाथ धो के आते हैं। हेलो गुलखान एक कार है, मैं आता हूँ। ठीक है आपने खाना सही खाया सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बस इसके लिए कावा लेकर आओ। सही है जी। और यार ये वॉशरूम्स कहाँ पे हैं? से नीचे जाए और लेफ्ट चले जाए। अच्छा किसी रिजॉर्ट में आए। कीमत खान तुम जाओ मेहमानों से पूछो भाई खाना वाना सब कुछ सही खाया। सही है गुलखान। और सुल्तान सब कुछ सही है? बस खावा तैयार हो रहा है, खावा पी के जा रहे हैं। खावा क्या होता है यार? गुलखान बाहर मेहमानों ने खाना खा लिया, आपसे मिलना चाहते हैं। चलो सही है मैं आ रहा हूँ। सुल्तान खावा खीर मैं यूँ गया और यूँ आया। आराम से आना गुलखान, तब तक तुम खावा पी लो। सही है बेस्ट। मैनेजर आ गया हल्दी। अच्छा ऐसा तो नहीं बिल इसके? सुल्तान साहब आपका बिल। ओ सोचा ही था मैंने ये। मेरा नहीं गुलखान का बिल आ रहा है। सुल्तान साहब बुकिंग आपके नाम से हुई थी। अभी गुलखान भाई मिले, उन्होंने कहा है कि सुल्तान से बिल ले लेना। उन्होंने अंदर बुलाया, देख एक करो चले। क्या बात है। हेलो भाई भी तैयारी करके आया था वैसे तो। वही किया जिसका डर था। आ रहे हैं वो लोग प्लान के मुताबिक ही। सर पत्ते भी ये नहीं जानते मैं इनका बाप। ओके अब क्या होगा? रुक जाओ नहीं 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 ये बैग पकड़ो। सब लोग अपने मोबाइल और वॉलेट एक बंदे के साथ इकट्ठा करके इस बैग में डालो और बैग मेरे हवाले करो जल्दी। अच्छा मैं दावत में जा रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने बाहर तैयार रहना है। अगर मेरी बहुत सही दिमाग लगाया है तो समझ लेना कि गुलखान लोगों ने अपना बदला ले लिया तो फिर आप दोनों ने प्लान के मुताबिक। ओके मतलब उनसे पैसे लटके उन्हीं के पैसे से उन्हीं का बिल भर दिया। बढ़िया यार। कितना बिल होगा? 5 लाख 6 लाख इससे मैं नहीं डरता हूँ। निकालो पैसे और इस रेस्टोरेंट में जितने भी वेटर्स हैं सबको आज टिप मिलेगा। निकालो पैसे। सबके पर्स खाली। मोबाइल भी लग गया। ओह शिट शिट यार। ओह यार क्या यार मुझे लगे इस बार ये जीत गया लेकिन गुलखान गुलखान है। ओह माय गॉड
200 रुपए। हेलो सुल्तान, फ्लैशबैक पे जाना पसंद करोगे? नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन लोगों को भी निकालना पड़ेगा। चलो चलते फ्लैशबैक पे। अगर सुल्तान दावत पे आता है तो वो पूरे प्लान के साथ आएगा और उसे ये भी पता है कि हम उससे बदला जरूर लेंगे और सुल्तान के कुछ बंदे हमें लूटने के लिए बाहर जरूर खड़े होंगे और हम ये रिस्क नहीं ले सकते, जिसकी वजह से हम अपने बटुओं से पैसे निकाल के ये कागजात रखेंगे और अपने साथ एक एक नकली मोबाइल लाना है। खाने के दौरान कीमत खान को अपने असली मोबाइल किसी भी तरीके से देना है। कीमत खान ने गाड़ी तक पहुँचाना है मोबाइल, ताकि लूटे हम और दर्द सुल्तान। क्या बात है सुल्तान, तू भी सोच रहा होगा कि ये 200 रुपए मैंने क्यों दिए। ये जो वो मिठाई लेकर आए थे, सुल्तान लूटे हम बहुत सारे दिन कर दिया, मतलब इनको मैं कहता हूँ ना, ये कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके प्रमोशन करने के तरीके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर जो वाइंस में सबसे बेस्ट मैं कहूँगा तो वो यही कहूँगा, इनको ही कहूँगा, क्योंकि इनकी टीम जो वर्क काम करती है पूरी, मतलब एडिटिंग टीम जो भी एक्टिंग करने वाले, और सबकी एक वैल्यू है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एक ही बंदे के फैन है लोग, सबके अलग अलग फैंस हैं और सबका एक अपना अपनी एक पहचान है, सबकी एक एक्टिंग में अपने अपनी एक मतलब क्वालिटी है, तो वो देख के बहुत मजा आता है। और ये शूट जिस तरह से करते सिनेमेटोग्राफी, मतलब ये रेहान वाले रेहान भाई, इनकी बहुत ही कमाल की है यार सिनेमेटोग्राफी, बहुत शानदार है, मतलब मूवी बना सकते हैं यार। हाँ, उस लेवल की सिनेमेटोग्राफी और शॉर्ट मूवी भी बनाई है, देखी हमने उनकी, क्या शानदार थी यार, यार। सो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा वीडियो और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा रिएक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। राइट, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करो यार, करना शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और सीरीज के भी पार्ट्स अगर आपको रिएक्शंस देखना है तो प्लीज एम्ब्रोजिनिया और मिल जाएगा। वो क्या होता है, खारा क्या था, वो खाबा कावा 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 वो क्या होता है, प्लीज खावा था, खावा खावा या कावा, लिटिल कंफ्यूज, कमेंट करके बताओ उसके बारे में, वो क्या होता है, किस तरह की चीज होती है, खाने की पीने की या किसी और तरह की, तो प्लीज बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।